देश के पहले सीडीएस विपिन रावत के आकस्मिक निधन से उत्तराखंड में शोक की लहर है। धामी सरकार ने राज्य में आज से 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया है। आपको बताते चलें कि सेना में अहम योगदान देने वाले चीफ ऑफ डिफेंस विपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को पौड़ी के गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ था। विपिन 1978 में आर्मी ज्वाइन की थी। उन्होंने 2011 में मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मिलिट्री मीडिया स्टडीज में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उन्हें आर्मी में ऊंचाई पर जंग लड़ने और जवाबी कार्रवाई के एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता है। विपिन रावत ने 1 सितंबर 2016 को आर्मी के वॉइस चीफ का पद संभाला था। उन्हें 31 दिसंबर 2016 को इंडियन आर्मी के 26वें चीफ सौंपी गई। 30 दिसंबर 2019 को उन्हें भारत के पहले सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया था। रावत ने 1 जनवरी 2020 को सीडीएस का पदभार ग्रहण किया और सन 2016 में उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत के नेतृत्व में 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में बसे आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जिसको विपिन रावत ने ट्रेंड पैरा कमांडोज के माध्यम से अंजाम दिया था। उरी में सेना के कैंप और पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए हमले में कई जवान शहीद होने के बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आर्मी सर्विसेज के दौरान उन्होंने एलओसी, चीन बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट में एक लंबा वक्त गुजारा। विपिन रावत को इंडियन मिलिट्री अकेडमी में स्क्वाड ऑफ ऑनर से नवाजा जा चुका है। रावत चीफ ऑफ कमेटी के अध्यक्ष के साथ भारतीय सेना के 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए विमान हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाने से पूरा देश स्तब्ध है। सहारा समय संवाददाता ने सीडीएस विपिन रावत के पैतृक गांव सैंड में उनके चाचा भरत सिंह रावत से खास बातचीत की। कुन्नूर में हुए विमान हादसे में इसे उत्तराखंड पे छूता नहीं है। हम पहुंचे हैं उत्तराखंड में, तो मेजर जनरल देश के प्रथम सीडीएस विपिन रावत के गांव और हमारे साथ हैं उनके चाचा जी। बात करते हैं कि उनका कैसा व्यवहार था गांव के प्रति, उनकी क्या करने की इच्छा थी, करते हैं चाचा जी से बात। उनका बहुत ही अच्छा, हर एक आदमी से अच्छा व्यवहार था गाँव में, बड़ा अच्छा प्रेम से और गाँव के विकास के लिए हमेशा उनका सोचते थे और गाँव का विकास करना चाहते थे। कब आए थे ये जनरल साहब? अप्रैल 2018 को यहाँ आए थे। गवर्नमेंट बोलते थे उस दिन उन्होंने सड़क के लिए भी यहाँ से एप्लीकेशन लिखी थी, अभी आने में भी परेशानी और अपने मकान बनाने के लिए भी जगह देखी थी। अच्छा, और क्या इच्छा थी गांव के लिए, उनके करने के लिए? हाँ, गांव में उनका इच्छा थी कि गांव का विकास के लिए फलदार पेड़ लगाए जाए और यहाँ हॉस्पिटल और स्कूल की कमी बताई थी उन्होंने, खोलने की उनकी इच्छा थी। उत्तराखंड के जैसे बच्चे उनसे इंस्पायर थे जो थे जाने, उनके लिए क्या प्रेरणा स्रोत रहे हैं? हाँ, प्रेरणा के स्रोत रहे कर्मठता और ईमानदारी, देशभक्ति। आप यहाँ अकेले रहते हैं? मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। स्कूल भी ढूंढ हो जाएगी सब कुछ। सड़क वो मदनपुर से एक गांव है, मदनपुर वहाँ से यहाँ तक आपको मंजूर कर, अभी सड़क यहाँ पर रुकी है। ये थे हमारे साथ जनरल साहब विपिन रावत जी के चाचा जी, जिनसे हमारी बात हुई। मैं अजीत सिंह, सारा समय सैन गांव।